उधम सिंह नगर के सुंदरपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता अमित नारंग ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन सुंदरपुर गांव में किया गया है, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुँचाने का कार्य किया है। इस मौके पर बोलते हुए विधायक रुद्रपुर शिव अरोड़ा ने कहा कि सुंदरपुर गांव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के सामने आज सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी पहुंचे हैं और अनेक तरह के कार्यकलापों और योजनाओं की जानकारी स्थानीय लोगों को दी। मोदी सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है, मोदी सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए कर रही है। हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन पे 140 करोड़ लोग विश्वास करते हैं, ऐसा ही उनका मोदी की गारंटी का रथ जो भारत विकसित यात्रा के अंतर्गत यहाँ पहुँचा है। और पूरे आज सुंदरपुर गांव जो हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है, वहाँ पे सभी ग्रामीण जन, उसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी है, सब यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ पर मोदी जी की गारंटी के साथ पूरा गांव खड़ा नज़र आया। सबको मोदी जी पर भरोसा है, जिस प्रकार से उन्होंने उज्ज्वला योजना दी, जिस प्रकार से सौभाग्य योजना दी, जिस तरह के शौचालय, जिस तरह के प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना में 85 करोड़ लोगों को राशन, जिस तरह के किसान सम्मान योजना, जितनी भी योजनाएं मोदी जी की है, जो भी दिल्ली से चलती हैं, हर गरीब के घर तक पहुँचती है, तो आज उन सब योजनाओं पर चर्चा हुई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।